क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने बोला है, पहले तो कैलकुलेट करने बोला है फोर्स भी, और सेकंड कैलकुलेट करने बोला है हमको टोटल एलोंगेशन जो होगा इस बार का, वो कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह फिर से मेरे को एक बार दिया गया है जिसको तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम एल एम एन पी। ठीक है, तो एल से एल तक इसका लेंथ दिया हमको 1000 एमएम, फिर एम से एल तक का लेंथ अगेन 1000, और एन से पी तक का लेंथ दिया गया 600 एमएम। ठीक है, और बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ एरिया तीनों सेक्शन का अलग अलग है। लास्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमको एरिया तीनों का सेम दे दिया था, लेकिन यहाँ एरिया क्या है तीनों के लिए अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ एल से एल के लिए तो इसके लिए एरिया 600 एमएम स्क्वायर, फिर एम से एन के लिए 2400 एमएम स्क्वायर, और एन से पी के लिए मेरे को 1200 एमएम स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स पी। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, फोर्स पी नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं अगर क्या कहते हैं, मैं फोर्स का जो कंडीशन है, जो मेरा डायरेक्शन है फोर्स का वो देख लेता हूँ। तो सेम डायरेक्शन वाला फोर्स कौन कौन सा मेरा 50 किलोन्यूटन और 500 किलोन्यूटन। तो ये हो गया मेरा 50 प्लस 500, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन वाला कौन सा है P और 200 किलोन्यूटन वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा P प्लस 200 किलोन्यूटन। तो यहां से अगर मुझे सॉल्व करूंगी इस इक्वेशन को, क्या है 550 इक्वल टू 200 प्लस P, मींस P इक्वल टू कितना आ गया मेरा 550 माइनस 200, तो मेरा जो लोड का वैल्यू आ गया है मेरा 350 किलो न्यूटन। ये मेरा क्या आ गया P का वैल्यू। इसके बाद सेकंड में क्या फाइंड करने बोला है, टोटल एलोंगेशन फाइंड करने बोला है। अब टोटल एलोंगेशन के लिए जानते हैं, टोटल एलोंगेशन क्या होता है मेरा डेल एल, और मेरे को तीन अलग अलग सेक्शन में फाइंड करने है, तो क्या बचेगा डेल एल इक्वल टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री। ठीक है, तीनों सेक्शन का अलग है, तो जैसे कि L से F एक्सटेंशन, M से N, M से P, तो क्या हो गया डेल एल वन। तो जैसे लास्ट टाइम हमने तीनों सेक्शन के अलग अलग फोर्स फाइंड किया था, वैसे सेम इसमें भी प्रोसीजर वही होगा। पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए फोर्स क्या है 50 किलोन्यूटन, और अगेन क्या है अगर इस तरफ के फोर्स को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा P का वैल्यू कितना दिया है मेरा 350 है और प्लस 200, और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस 500, तो अगेन कितना आ जाएगा ये आ गया मेरा 500 माइनस 550 माइनस 500 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन लोड कितना बचा मेरा 50, तो ये हो गया मेरा 50 किलोमीटर। ऐसे ही करके हमारा सेकंड वाला पोर्शन क्या है एमएल वाला, तो एमएल के लिए क्या हो जाएगा, तो एमएल के लिए देख लेते हैं। तो एमएम का लिखता हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहा 50 किलोमीटर का, और एक तक पी करो तो क्या आ जाएगा 50 का अलग डायरेक्शन होगा, और पी लोड के लिए डायरेक्शन है मेरा अलग, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस पी का वैल्यू आया हमारा 350। तो टोटल लोड हम ले लेते हैं 300 किलोमीटर पर। अगर सेम ऐसे ही इधर का है, इधर कितना है 500 और 200, तो अगेन क्या हो जाएगा, देखो 500 का डायरेक्शन अलग है और 200 का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, तो 500 माइनस 200 करो तो कितना आया 300, तो क्या हुआ 300 300। तो डायरेक्शन की बात करें तो देखो जो मेरा बड़ा लोड है उसका डायरेक्शन क्या है कंप्रेसिव, तो इधर कितना है 500, तो 500 है कंप्रेसिव, तो क्या हो गया कंप्रेसिव 300 किलोन्यूटन। सेम ऐसे क्या है, इधर मेरा बड़ा लोड कौन सा है पी, पी का लोड कितना है 350, ये कितना आया है 350, तो 350 वाला लोड डायरेक्शन कैसा है कंप्रेसिव, तो अगेन फिर आ जाएगा मेरा ये 300। तो ये क्या आ गया मेरा P2 का फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये मेरा इसके अंदर P1 के लिए था और ये था मेरा P2 के लिए। सेम ऐसे हम सॉल्व करेंगे P3 के लिए, P3 के लिए देख लेते हैं थर्ड वाला कंडीशन। तो P3 क्या आ जाएगा मेरा, देखो एक फोर्स दे दिया मेरे को 200
किलोमीटर, ठीक है, ये तो हो राइट हैंड साइड। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कितना कितना है, एक तो है 50 का, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हमको मिल रहा है 50 के बाद 500, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पी का वैल्यू कितना मिल रहा है 350 का, और इधर कितना टोटल 200 का। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 200 आ जाएगा और इक्वल टू, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगेन से लोड का डायरेक्शन क्या हो गया 200 किलोमीटर, बड़ा लोड हमारा कौन सा था याद देख रहे हैं 500 किलोमीटर का, डायरेक्शन कैसा था इसका टेंसाइल वाला, तो अगेन से डायरेक्शन इसका कैसा हो गया 200 किलोमीटर टेंसाइल। तो ये तो तीनों P1 P2 और P3 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो P1 हमारा किस आया था, तो P1 था मेरा 50, ठीक है, और P2 कितना था, P2 समथिंग था 300, ठीक है, और P3 मेरा कितना आया था, P3 था मेरा 200 किलोमीटर, ठीक है, तीनों मैंने फाइंड कर लिया है। अब फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल इक्वल टू क्या होता है PL अपॉन AE, ठीक है। अब मेरे को L1 का निकालना तो क्या करूंगा, डेल L1 P1 L1 अपॉन A1 E, ऐसे ही क्या करूंगा मैं डेल L2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा P2 L2 अपॉन A2 E, और सर क्या है डेल L2 डेल L3 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा P3 L3 अपॉन A3 और क्या हो जाएगा E हो जाएगा। अब देखते हैं P1 कितना निकालो मैं 50 किलोमीटर तो 10^3, और लेंथ मेरे को कितना दे दिया है L1, तो L1 मेरे को दिया है 1000 mm, ठीक है, 10^6 माइनस 6 कर लेना, और क्या है हमारा एरिया, तो एरिया कितना गिवन है, एरिया है मेरा 600 mm स्क्वायर, ठीक है, तो 600 × 10^-6 mm² है, तो और E का वैल्यू हमको दे दिया 210 गीगा न्यूटन, तो 210 × 10^9, ऐसे ही सेम डेल एल टू क्लेम निकालेंगे तो डेल एल टू में P2 का वैल्यू है मेरा 300, तो इसमें हो गया 300 × 10^3, और अगेन इसके लिए लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ हो गया हमारा 1000 mm है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और एरिया कितना है इसका, तो एरिया हो गया 2400 × 10^-6 और 210 × 10^9, और लास्ट हमारा बचता है P3 L3, इसका हो गया 200 × 10^3, इसका लेंथ हमको देते हैं 600 mm, और इसका एरिया है हमारा 1200 mm², तो डेल L1 डेल L2 और डेल L3 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसके बाद जो वैल्यू मिलेगा डेल L1 से डेल L2 से और डेल L3 से, मैं जो फर्स्ट वाला इक्वेशन बताया था आप लोगों को जिसमें मेरा टोटल डेल L निकलेगा वो वाला वैल्यू रहेगा तो माइनस, ठीक है, तो यहां से फिर हमारा टोटल